कई बार अध्यक्ष टाइम से आते हैं और टाइम पे जाते हैं, लेकिन जब अंत होता है तो वो जो मुख्य उस दिन वक्तव्य है, जो मुख्य वक्ता है, उससे भी ज्यादा लंबा बोलते हैं। और भी तीसरे तरह के, चौथे तरह के तमाम अध्यक्ष होते हैं। आज मैं देर से आया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, दिल्ली के ट्रैफिक की। मैं निकला और जिस गाड़ी से मैं आ रहा था ओला से, तो वो तीन जगह ऐसे ट्रैफिक जाम थे कि वाकई वो संभव ही नहीं था कि हम कहीं से भी आते जाते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रास्ता ही नहीं आगे का मिल रहा था। मेरा अनुमान था कि शनिवार है तो आज विश्वविद्यालय जाने वाली सड़कें शायद ठीक ठाक होंगी, तो उतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन अब फंस गए। तो सबसे पहले तो मैं रविंद्र बाबू से, आप सबसे वाकई खेद प्रकट करता हूँ कि मुझे विलम्ब हुआ। लेकिन मैं अध्यक्षता के बारे में जो मैंने कहा, कई तरह के अध्यक्ष होते हैं, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं आज राजेंद्र बाबू को सुनने आया था, पहले भी उनको मैं सुन चुका हूँ, संभवतः हमने पहली बार उनको सुना मोतिहारी में, और भी एक आध जगह सुनने का मौका मिला। तो वो ज्ञान की अथाह सागर हैं, सूचनाएं ही नहीं ज्ञान भी। और मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा ये हथियार है हमारे लिए ज्ञान, इससे इम्पावर करना, इससे नॉलेज जो एक पावर है, मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को, और जिसको बहुजन समाज कहते हैं उसको तो जाहिर है बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हम और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों ने जगदेव बाबू को याद किया, जगदेव बाबू पर आपने राजेंद्र प्रसाद सिंह को बुलाया, ये एक अच्छी पहल है। और मेरा मानना है कि इस तरह के आयोजनों को आप बार बार करें। ये भी अच्छी बात है कि 2 फरवरी को, आप फरवरी महीने में ही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी तिथि हो आप चुन करके इस तरह के महानायकों को ना, अपने समाज के, जिनको वाकई लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया। जगदेव बाबू तो ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर और तमाम इस तरह के बड़े जो राजनायक हैं, समाज के बड़े नायक, हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे, लेकिन उनको भी इस समाज में नज़रअंदाज किया। जैसे अम्बेडकर को, आप अम्बेडकर को मैं बार बार कहता हूँ जब अपने दोस्तों के बीच जाता हूँ अपनी बात कहने, कि भाई हम 1978 के पास मैं एमए कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उस वक्त तक भी अम्बेडकर की किताबें हमारे जैसे क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं इतनी होती थी। हमें दुनिया भर की किताबें मिल जाती थी, लेकिन अम्बेडकर नहीं मिलते थे। तो उसी तरह से आप ज्योतिबा फुले के बारे में, स्वयं राजेंद्र बाबू ने बताया कि ज्योतिबा फुले के बारे में, उनके बारे में तो कुछ अंदाज ही नहीं होता था कि कौन है, अच्छा ये क्या है, इस तरह का। लेकिन जब चीजें अब सत्यशोधक समाज के बारे में जो बातें हैं, वो बहुत बाद में हमारे हिंदी समाज को उसकी रोशनी मिली और वो चीजें मिली। ठीक उसी तरह से जगदेव बाबू के बारे में, जगदेव बाबू के बारे में मैं लंबे समय तक आपको बताऊं कि बिहार में ही लोग नहीं जानते थे जगदेव बाबू। जगदेव बाबू शहीद हुए, जगदेव बाबू पर इतने जबरदस्त अभियान करता थे, इतने बड़े कैंपेनर थे, इतने बड़े आइडियोलॉग थे, लेकिन उनके बारे में भी, तो ये जो विरासत है खासकर बहुजन संघर्षों के नायकों की, इनको सामने नहीं लाया गया और इसको पर्पजली नहीं लाया गया, बहुत ही स्वदेशपूर्ण ढंग से इसको वंचित रखा गया है ताकि आम लोग न जाने। ऐसे लोगों को ही केवल स्थापित करो जो आप समाज के खास दर्शन, के खास विचारधारा को प्रतिपादित करते हों। मुझे लगता है कि अगर आप अपने नायकों को, जो बिखरे हुए नाम हैं, जो बहुत जगह, आप तमिलनाडु में चले जाइए, आप आंध्रा में चले जाइए, आप केरल में चले जाइए, असंख्य ऐसे लोग हैं इस देश में जिन्होंने अपने अपने इलाके में छोटी लड़ाइयाँ, बड़ी लड़ाइयाँ और हर तरह की लड़ाइयों को लड़ते हुए और वहाँ के लोगों के बीच में एक तरह की नई चेतना जगाई, लेकिन उन सबसे हम वाकिफ नहीं हैं और न वाकिफ हो पाते। तो आज आप लोग विश्वविद्यालय में हैं और विश्वविद्यालय में आप लोग छात्र भी हैं, आप लोग अध्यापक भी हैं, आप लोग PhD भी कर रहे हैं, PhD करा भी रहे होंगे कुछ एक लोग, हालांकि प्रोफेसरों की संख्या अब लगातार घटती जा रही है और आगे घटेगी भी अगर यही हाल रहा तो। लेकिन आप सबका ये कर्तव्य है, मैं समझता हूँ कि ये जो बहुजन समाज की लड़ाइयों के नायक हैं, जो ये जो लड़ाइयाँ हैं, इनके इतिहास पर काम किया जाए, इनकी जो विरासत है उसको कैसे लोगों के सामने लाया जाए। अब इस वक्त अगर भारतीय समाज को आप देखें तो इतनी बड़ी आबादी अपने देश की, मौजूदा जो सत्ता
संरचना है, जो इसको संचालित करने वाले लोग हैं, उनके बहुजन विरोधी जो आचरण है, उनके जो बहुजन विरोधी जो एक्शंस हैं, उसके खिलाफ उसे स्ट्रॉन्गली गोल बंद होना चाहिए था। इस कदर की लोग कहें ही ना कि गोल बंद होने की जरूरत है, अपने आप लोग गोल बंद हो गए। भैया आपके आरक्षण को खत्म कर दिया, रोस्टर बदल दिया, जो रोस्टर था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, मैं तो उसको भी अच्छा नहीं मानता, क्योंकि जब मैंने देखा उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री और जब मैं पढ़ने लगा कि रोस्टर आया कैसे, तो मुझे ताजुब हुआ कि उस समय तो वे लोग थे जो गैर कांग्रेस गैर भाजपा के लोग थे सरकार में, और उनके समय भी जिनको हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जनेऊ रोस्टर, तो मैं पता नहीं किस तरह की भाषा मेरी नहीं है, लेकिन मैं अपने मित्रों की भाषा उधार लेता हूँ कि अब इस तरह का जो रोस्टर बनाने वाले लोग हैं उसी सरकार के तहत, जो सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध थी, जिसके मंत्रीगण सभी इस तरह के लोग थे, उसी सरकार में वो रोस्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, बगैर ये समझे कि क्या और कोई फॉर्मेट लिया जा सकता है, क्या कोई और फार्मूला एडॉप्ट किया जा सकता है जिससे कि सुसंगत ढंग से आरक्षण का अनुपालन किया जा सके। जब हम बड़े हो रहे थे तब भी हमको लग रहा था यूनिवर्सिटी में कि भाई ये लोग तो पढ़े लिखे नजर आते हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, कॉलेजेस में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तब समझ में आता था कि ये पूरा सिंडिकेट, लोग कहते थे इंडिकेट सिंडिकेट कांग्रेस में विभाजन हो गया है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा सिंडिकेट एक स्थापित था देश भर के एकेडमिक सेंटर्स पर और हर शैक्षणिक संस्थान में। अभी चमत्कार था, और ऐसा चमत्कार जिसके बारे में हम सब कुछ नहीं जानते थे। तो मुझे लगता है कि आज जरूरत इस बात की है कि आप लोग जो इतना अज्ञान का अंधेरा है अपने समाज में, आज भी माफ कीजिएगा, हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ पढ़े लिखे लोग जो हो जाते हैं अपने समाजों में, हम बड़े इनफॉर्मल ढंग से बात कर रहे हैं, जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ इन चीजों को। हम क्या होता है कि हम पढ़े लिखे लोग जो हो जाते हैं अपने अपने समाजों में, तो हम सब बहुत बड़े बौद्धिक बन करके और घूमते हैं और लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर लिए हैं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा काम है, अगर हम सचमुच बौद्धिक हैं, अगर हम सचमुच इतिहास जानते हैं थोड़ा बहुत, अगर हम सचमुच समाज को जानते हैं, कि उन लोगों को बताना, उनको खड़ा करना कि भई ये समझो, इसे भी समझो, क्या वजह है कि इतने सारे आरक्षण पर हमले के बावजूद आपका वर्चुअल खत्म कर दिया गया है आरक्षण। आप यकीन कीजिए, जिस तरह से आपका एक तरह से जो स्थितियां थी उन स्थितियों के बाद 10% ये नया आ गया, फिर आपका रोस्टर खत्म, तो आज की स्थिति में देखा जाए तो आप भले ही आपको कहा जाए कि 27% आरक्षण है, जबकि भारत के अनेक राज्यों में आपको मालूम है 27% रिजर्वेशन नहीं है। इसमें कोई मध्य प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश से आता है यहाँ, नहीं, मध्य प्रदेश में पता कर लीजिए कितना परसेंट है, आप बंगाल में जाकर देख लीजिए कितना परसेंट है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो असलियतें हैं, ये जो सच्चाइयां हैं, इन सच्चाइयों के बारे में आपका समाज आज भी नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो रोजमर्रे की अपनी जिंदगी उलझनों में फंसा हुआ है। इसको बताना ताकि वो इस तरह उग्र जो मनुवाद है आज का, ये उग्र मनुवाद है, ऐसा मनुवाद आजादी की लड़ाई के समय शायद उतना नहीं था, क्योंकि उस समय बड़े पॉलिश ढंग से चीजों को लिया जा रहा था। जो उग्र मनुवादी थे उस समय वो काफी कमजोर स्थिति में थे, वो नागपुर और पुणे के इर्द गिर्द सिमटे हुए थे। आज वो पूरे भारत में है, उस समय कुछ एक लोग थे जो कांग्रेस पार्टी में उनका झंडा ढो रहे थे, उसको जो हिंदू सब जो एक तरह से यूं कहा जाए कि जो उच्च हिंदू वर्ण है या जातियां जो हैं उनके जो नेता थे, कथित अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले, राष्ट्रभक्त कहने वाले, जो भी आप कह रहे हैं, वो एक कुल मिलाकर मिला जुला कर काम कर रहे थे ताकि किसी तरह सत्ता पर वो कब्जा पा सकें। वो समझाते बुझाते थे कि भाई उग्रता ज्यादा मत करो, हम तो है ना तुम्हारे लिए। लेकिन आज हालात बदल गए हैं, वे जो साइडलाइन थे एक तरह से उस समय के कथित मध्यमार्गी या उदारवादी, कथित उदारवादियों के से साइडलाइन थे, आज बिल्कुल हकीकत बदल गई है, सच्चाई बिल्कुल बदल गई है, जो वही उग्र मनुवाद है आज मुख्य धारा में आ गया है। तो ऐसे दौर में लोगों को ये बताया जाना जरूरी है कि ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हैं और कैसे हमारे लिए दुर्दशा का ये एक बहुत बड़ा घर टूट पड़ा है।
ये एक अच्छे बौद्धिक की पहचान यही है, उसका अच्छा काम यह है। हम लंबी लंबी अगर सोच रखते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुझे लगता है कि हमारे देश में जो बड़े महापुरुष हुए हैं, जो बड़े महानायक हुए हैं हमारे बहुजन समाज के, वो आज भी हमारे लिए आकाशदीप की तरह है कि हमको रास्ता दिखाते हैं। आप अम्बेडकर को देख लीजिए, अम्बेडकर से अधिक इस देश में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, जाति के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में किसी ने इतना काम नहीं किया है। यहाँ तक कि गांधी और नेहरू का लेखन भी अम्बेडकर के लेखन के सामने पिद्दी नजर आता है। मुझे इस शब्द पर अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है, मैं उतना पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने गांधी जी को या नेहरू जी को देखा है, मुझे नेहरू बहुत खूबसूरत लगते थे जब तक मैंने अम्बेडकर नहीं पढ़ा था। और मुझे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब किताबें सचमुच बहुत महान किताबें लगती थी। लेकिन अम्बेडकर को पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि अम्बेडकर बौद्धिक स्तर पर भी, स्कॉलर के तौर पर भी, आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो भारत में मनुवाद के खिलाफ या उग्र सवर्ण हिंदुत्व के खिलाफ एक बहुजन के नायक हैं, या दलित एम्पावरमेंट की बात करते हैं बहुत सारे लोग, मैं नहीं समझता कि वो दलित एम्पावरमेंट में उनको बांधा जा सकता है। वो पूरी मनुष्यता के बड़े महानायक हैं अम्बेडकर। और अम्बेडकर को पढ़ने के बाद मुझे जितने और इंटेलेक्चुअल्स आज़ादी की लड़ाई के नजर आते हैं वो बहुत छोटे हैं उनके आगे। लेकिन उस अम्बेडकर को भी अपने समाज में मीडिया ने, हमारे एकेडमिशियंस ने, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने कितना छोटा बना कर रखा था कि आप देखिए, मैं बार बार ये सोचता हूँ कि यार ये कैसा समाज है, कैसा देश है। यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में आप कहीं चले जाइए, लोग हिस्ट्री को इस तरह से नहीं नजरअंदाज करते, इस तरह से नहीं कुचलते जैसे अपने देश में हुआ है कि आप अम्बेडकर नाम का आदमी, जिसने इतना बड़ा काम किया इस देश की, समाज और जनतंत्र के भविष्य के लिए, आप उसको, उसका नामो निशान तक हिंदी क्षेत्र में मिटा देते हैं। कभी कोई सुनता ही नहीं, कोई देखता नहीं, ये तो अच्छी बात है। ये तो कमाल का है कि महाराष्ट्र में आंदोलन भड़का और आंदोलन भड़कने के बाद अंबेडकर का साहित्य अवतरित होने लगा। अपने जमाने में अंबेडकर ने जितना अपने को प्रकाशित किया, अपनी बातों को रखा अपनी मैगजीन्स के जरिए, चाहे वो मूक नायक हो या और दूसरी उनकी मैगजीन्स हो, उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो अवदान था वो दलित मूवमेंट का था, जो महाराष्ट्र में उस समय हुआ, जिसकी वजह से अंबेडकर का साहित्य पॉपुलराइज होने लगा। और बाद के दिनों में कांशीराम के अवतरित होने के बाद अंबेडकर हिंदी क्षेत्र में जाने गए, मतलब ठीक से उनको समझा जाने लगा। नाम तो सभी जानते थे, लेकिन हम क्या जानते थे कि वो एक दलित नेता है, संविधान क्यों रचने वाले हैं, दैट्स ऑल। इसके आगे हम नहीं जानते थे कि वो कितने बड़े विद्वान है, वो कितने बड़े दिग्दर्शी है, वो कितने बड़े स्कॉलर है। वो हम ये भी नहीं जानते थे कि अगर भारत में डेमोक्रेसी को और भारत को एक राष्ट्र के रूप में अगर विकसित करना है तो अम्बेडकर के अलावा और कोई बड़ी रोशनी का पुंज नहीं है इस देश में जितनी बड़ी रोशनी के अम्बेडकर। हम दूसरों को समझते थे कि अच्छा ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में जरूरत इस बात की है। आज देखिए अम्बेडकर घर घर हैं, आज अम्बेडकर के 17 वैल्यू। ये अलग बात है कि मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से उनके जो वैल्यूज हैं, जितने खंड हैं वो छपने बंद हो गए, उनकी प्रिंटिंग नहीं हो रही है। अब सब वेबसाइट्स पर आप केवल देख सकते हैं अम्बेडकर फाउंडेशन की। पिछले 4 सालों से किताब नहीं छपी है। पिछले दिनों उनकी जब जयंती मनाई जा रही थी तब भी मैंने दवायर में एक लेख लिखा, सोचा कि हो सकता है सरकार को थोड़ा असर हो, लेकिन उसके बाद भी नहीं छपी किताबें। और पहली बार उनके जो तमाम खंड जो छपने लगे उनकी राइटिंग्स के, वो भी महाराष्ट्र में, मुझे याद है जहां तक उस समय कांग्रेस रिजीम थी, कांग्रेस का सरकार था, तब पहली बार खंडों में, तमाम वॉल्यूम्स में अंबेडकर साहित्य का प्रकाशन हुआ। और केंद्र में भी जब पहली बार, आई थिंक क्या नाम था हरियाणा की जो मंत्री हैं, कुमारी शैलजा जब सहकारी ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी, उस वक्त यहाँ पे केंद्रीय स्तर पर प्रकाशन शुरू हुआ हिंदी अंग्रेजी में। तो मुझे आप लोगों से जो आज कहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम जो मुख्य आज का वक्तव्य है राजेंद्र प्रसाद जी का, हम उसके बीच में नहीं आना चाहते, लेकिन जगदेव बाबू का
यही उनकी उनकी विरासत को याद करने का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जरिया, बहुत सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है कि हम अपने समाज के, हमारे अपने समाज में बदलाव के लिए जो काम जिन लोगों ने किया उनको अपनी जनता से हम एक रूप करें, उन जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में ये समझ जाए, क्योंकि आम लोग वाकई नहीं जानते, उनको उनको उन तक पहुंचाना है आपको ज्ञान, बहुत बड़ा हिस्सा है जो लोगों को वाकई नहीं मालूम है। आज भी लोग कुंभ में जाइए, कुंभ में दलित और पिछड़ों का, दलित तो कम लेकिन पिछड़ों का माय गॉड सबसे अधिक पिछड़े आपको कुंभ में घूमते मिल जाएंगे, सबसे आपको आपकी आप जाकर देखिए जितने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जो विवाद थे पहले और जितने आंदोलन हुए उसमें सर्वाधिक संख्या मारे जाने वालों की या दंगों में मारने वालों की संख्या वो किस तरह के सवाल की आप जाकर देख लीजिए। तो ये काम आपका है, असल बौद्धिक वो है जो अपने समाज को जगाए। अकेले अम्बेडकर ने, उनके पास आज की तरह BSP नहीं थी, आज की तरह सपा नहीं थी, आज की तरफ RND नहीं थी, आज की तरफ कौन कौन पार्टियां हैं, RJD नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं थी, इतना धन नहीं था। एक अंबेडकर ने पूरे देश को जगा दिया, एक महान संविधान, भारत के नेशनल मूवमेंट के तमाम राइट विंगर्स को, तमाम राइट विंगर्स को, मैं दक्षिणपंथी कहता हूं सभी लोगों को, और कुछ सेंट्रिस्ट जो अपने को सेंट्रिस्ट कहते थे लेकिन अंदर से वो भी अंदर जलेऊ था, उनके आत्मा में जलेऊ था, दिमाग में जलेऊ था, वो तमाम लोगों के रहते हुए और एक अंबेडकर ने भारत में आरक्षण को एफर्मेटिव एक्शन के तौर पे जरूरी कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये एक महानता थी अंबेडकर की। और आज बहुत सारे लोग अपने को अंबेडकर के वारिस साबित करने में जुटे रहते हैं, कोई बुद्ध की, अशोक की और अंबेडकर की तीनों की मूर्तियां अपने ड्राइंग रूम में पीतल की बना बना कर रखता है और अपने पूरे खानदान को MP MLA बना लेता है। इतने तमाम लोगों के रहते हुए आप देखिए आरक्षण छिन गया है, आरक्षण छिन गया है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ईमानदारी और समझदारी के साथ अगर आप उतरें तो समाज को और विकृत होने से बचा सकते हैं, समाज को और खात्मे की तरफ जाने से बचा सकते हैं, क्योंकि इस देश का दलित और पिछड़ा जितना ही उत्पीड़ित किया जाएगा ये देश, ये राष्ट्र और टूटता जाएगा। सच पूछिए तो नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी, उनको चलाने वाला संघ ये सोच रहे हैं कि वो इस देश के अपर कास्ट और कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये देश और राष्ट्र के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, एक बनते हुए राष्ट्र को जो वाकई बना नहीं है उसको बर्बाद कर रहे हैं, इसकी तमाम संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को न केवल मटिया मेट कर रहे हैं बल्कि इस धरती को मटिया मेट कर रहे हैं। इसलिए खड़ा होइए और लोगों तक ले जाने के लिए जितना संभव हो जितने क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट करने वो कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।